नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर के क्रैश लैंडिंग हुई है। राष्ट्रपति रईसी से अब तक संपर्क नहीं हो पाया है। बता दें, राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर की तलाश अब तेज कर दी गई है। राष्ट्रपति रईसी की जिंदगी खतरे में है, ईरानी अफसर ने यह भी कहा है। ईरान ने तैनात की है 40 रैपिड रेस्पॉन्स टीम। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में मुश्किलें भी हो रही हैं। अब तक संपर्क राष्ट्रपति से नहीं हो पाया है, प्रयास लगातार जारी हैं। और वहां के अफसरों का यह भी बयान आया है कि कहीं ना कहीं उनकी जान खतरे में है, पर कोशिशें लगातार जारी हैं। 40 रैपिड रेस्पॉन्स टीम भी बनाई गई हैं और कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति रईसी की जिंदगी खतरे में है, ईरानी अफसर ने यह बड़ा बयान भी दिया। और उन्होंने कहा कि ईरान ने तैनात की है 40 रैपिड रेस्पॉन्स और अब तलाश तेज कर दी गई है। राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर की तलाश तेज कर दी गई है। बता दें आपको, ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई, खराब मौसम था और इसी वजह से कहीं ना कहीं यह स्थिति निर्मित हुई और उसके बाद अब तक राष्ट्रपति तक नहीं पहुंच पाए हैं, लोकेशन नहीं मिल पाई है, प्रयास लगातार जारी हैं। राष्ट्रपति रईसी की जिंदगी खतरे में बताई जा रही है ईरानी अफसर के द्वारा। ईरान ने 40 रैपिड रेस्पॉन्स भी तैनात किए हैं। भारत और म्यांमार की वायुसेना ने 4 दिन का एक कार्यक्रम किया जिसमें पाकिस्तान की बड़ी फजीहत हुई। म्यांमार में हुए एयरफोर्स के प्रोग्राम में पाकिस्तानी जंगी जेट JF-17 की पोल खुल गई है। पाकिस्तान और चीन ने संयुक्त प्रयास से बने जंगी जेट JF-17 को म्यांमार ने जिस बेस पर तैनात कर रखा था वहां भारतीय वायुसेना के एयर वाइस मार्शल कोटप्पा को देखकर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच चुका है। एयर वाइस मार्शल कोटप्पा के म्यांमार विजिट से पाकिस्तान क्यों परेशान है आखिर, ये रिपोर्ट देखिए। May 13, 2024 ने पी ताओ एयरफोर्स बेस म्यांमार। जंगी जेटों की गरज से थर्राते हवाई अड्डे में अचानक आसमानी योद्धाओं की हलचल तेज हो गई थी। फाइटर पायलट एक्शन मोड में आ गए, जैसे किसी बड़े ऑपरेशन का माहौल बन गया। आसमान में परवाज भरने जा रहे जंगी जेटों में खास बात यह थी कि फाइटर जेट के बेड़े में पाकिस्तानी एयरफोर्स का तूफान कहा जाने वाला जेट JF-17 भी मौजूद था। म्यांमार की वायुसेना पाकिस्तानी जेट को अपने जंगी बेड़े में शामिल किए हुए है, लेकिन ये ताबड़तोड़ एक्शन किसी ऑपरेशन के लिए नहीं, एक खास मेहमान की अगवानी के लिए हो रहा था, क्योंकि 6वीं म्यांमार वायुसेना भारतीय वायुसेना की ऑफिशियल टॉक्स शुरू हो रही थी और इस खास चर्चा के केंद्र में एक नाम था। ये नाम कोई और नहीं, इंडियन एयरफोर्स के इंटेलिजेंस चीफ एयर वाइस मार्शल Ichetira Iyappa कोटप्पा का है। म्यांमार के वायुसेना अड्डे पर इंडियन एयरफोर्स के वाइस मार्शल की मौजूदगी ने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। कोटप्पा की एंट्री से दहल गई पाकिस्तानी वायुसेना। कोटप्पा ने किया डाउट JF-17 का सीक्रेट आउट। कबाड़ जंगी जेट का छलावा, JF-17 थंडर नहीं, फुस फाइटर। अब चीन के धोखे से कैसे उभरेगा पाकिस्तान? 13 मई के बाद से पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए एक एक पल भारी पड़ रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था पाकिस्तानी वायुसेना के अधिकारियों की धड़कनें बढ़ रही थी, लेकिन जो डर था हुआ वही, क्योंकि म्यांमार में पाकिस्तानी जंगी जेट की कलई खुल गई। पाकिस्तान जिस जंगी जेट का हवा खड़ा करता रहा, जिस JF-17 को अजेय लड़ाका बताता रहा, जिस लड़ाकू विमान से पाकिस्तान अपनी तिजोरी फुल करने का प्लान बना रहा था, उसका सीक्रेट आउट हो चुका है। पाकिस्तान के फाइटर जेट JF-17 को अच्छी तरह से जांच परख लिया गया है। ये काम हुआ भी ऐसे अंदाज में जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की थी। असल में भारत और म्यांमार की वायुसेना की 6वीं वार्ता की शुरुआत धूमधाम से हुई, जहाँ एयर वाइस मार्शल Ichetira Iyappa कोटप्पा का जोरदार स्वागत किया गया।
14 मई को एयर वाइस मार्शल कोटप्पा के साथ म्यांमार वायुसेना के कमांडर से मीटिंग हुई। 15 मई को भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने म्यांमार की रक्षा सेवा संग्रहालय और शहीद स्मारक का दौरा किया। 16 मई को फ्लाइंग ट्रेनिंग बेस पर भारतीय एयर वाइस मार्शल को बेस का इतिहास समझाया गया। 17 मई को एयर वाइस मार्शल कोटप्पा यांगून एयरपोर्ट से भारत लौट आए, जिसके बाद पाकिस्तान के प्राण सूख गए, क्योंकि 16 मई को जिस फ्लाइंग ट्रेनिंग बेस पर एयर वाइस मार्शल कोटप्पा ने दिन बिताया था, वहां पाकिस्तानी जंगी जेट JF-17 की तैनाती थी। पाकिस्तान को यह लड़ाकू विमान चीन ने खैरात में दे रखा है। दोनों देश इस जंगी जेट को सबसे बड़ा आसमानी जंगबाज होने की डींगे हांकते हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के इंटेलिजेंस ऑफिसर के इस जेट के सामने मौजूदगी भर से पाकिस्तानी फोर्सेज हांफने लगी। ताज्जुब की बात यह है कि JF-17 की जितनी हवा बनाई जाती है आसमानी अखाड़े में उतनी इसकी बिसात भी नहीं है। म्यांमार एयरफोर्स के लिए तो पाकिस्तानी जंगी जेट जी का जंजाल बन चुका है। कुछ साल पहले के वाकये की कहानी म्यांमार में वाइस मार्शल कोटप्पा को पता लगी। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चेंगदू एरोस्पेस कॉरपोरेशन की तरफ से JF-17 को तैयार किया गया था। साल 2016 में म्यांमार ने चीन से 16 JF-17 खरीदने की डील की थी। हर जेट के लिए $25 मिलियन की रकम चीन को अदा की गई थी। पहले 6 जेट म्यांमार को साल 2018 में मिले थे। बाकी के 10 जेट्स के बारे में कोई भी जानकारी दोनों देशों की तरफ से नहीं दी गई। इस डील के साथ ही म्यांमार दुनिया का वो पहला देश बन गया था जिसने चीन पाकिस्तान की तरफ से तैयार इस जेट को खरीदा था। कुल मिलाकर पाकिस्तान की हवाई फौज जिस लड़ाकू विमान को तोप बताकर उसकी सौदेबाजी में जुटी थी, उसकी पोल खुल गई। हाल ही में पाकिस्तान ने इसी कबाड़ जेट को इराक को बेचकर मोटा माल अंदर कर लिया। पाकिस्तान से जंगी जेट का सौदा करना कितना भारी पड़ सकता है, ये अब इराकी वायुसेना को समझना होगा, क्योंकि जिस जंगी जेट को म्यांमार की वायुसेना ने बरसों पहले ही फूका हुआ बता दिया था, इराक ने उसे अपने जंगी जखीरे की शान समझकर खरीद लिया। भारत के लिहाज से पाकिस्तानी जेट की पोल खुलना कोई नई बात नहीं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के स्वदेशी लड़ाकों के आगे भी मेड इन चाइना पाकिस्तानी जेट कहीं नहीं ठहरते। तेजस जैसे लेटेस्ट लड़ाके की टक्कर में भी पाकिस्तानी JF-17 की कोई बिसात नहीं। भारतीय वायुसेना के बेड़े में अब तो तेजस फाइटर जेट MK-1A शामिल होने जा रहा है। तेजस MK-1A लड़ाकू विमान की डिलीवरी जुलाई 2024 में होनी है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स को 83 तेजस की पावर मिलेगी। वहीं कुछ मुल्क जंगी जेटों के नाम पर ठगी का खेल खेल रहे हैं, जिन्हें हर वक्त अपने पर्दाफाश का खौफ छाया रहता है। भारत के वाइस मार्शल के म्यांमार विजिट से इसलिए इस्लामाबाद में खलबली मच गई थी। यूक्रेन पर पुतिन की सुनामी आने वाली है। जेलेंस्की को जब से यह पता चला है उन्होंने हथियारों की डिमांड 3 गुना बढ़ा दी है। यूक्रेन को पहले 43 F-16 फाइटर जेट मिलने वाले थे, लेकिन अब जेलेंस्की ने 130 विमान की मांग कर डाली है। यूक्रेन में दहशत इतनी ज्यादा है कि सबको लग रहा है कि पुतिन का नया हमला खार्किव शहर को खत्म कर डालेगा और फिर बारी आएगी कैपिटल कीव की। पुतिन की सुनामी को जेलेंस्की किस तरह रोकना चाहते हैं, यह बात आपको हैरान कर सकती है। देखिए, यूक्रेन में बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। ये भड़कती हुई आग, ये शोले और इन्हें बुझाने की कोशिश करता यूक्रेन। रूस में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद पुतिन ने जैसे ही यूक्रेन की तबाही का नया ऑर्डर जारी किया, जेलेंस्की के शहरों पर कयामत टूट पड़ी है। जलती इमारतें और आसमान की तरफ बढ़ता हुआ काला धुआं। पुतिन की तरफ से मिसाइलों के ऐसे हमले हो रहे हैं कि ओदेसा से लेकर खार्किव सब कुछ जल रहा है। ऐसी एयर स्ट्राइक हो रही है जिसे रोकना जेलेंस्की के लिए नामुमकिन सा हो गया है। क्या पुतिन के इस नई सुनामी से जेलेंस्की बच पाएंगे? इस सवाल का जवाब अमेरिका के पास भी नहीं है। ये सुनामी है पुतिन की, ये सुनामी है पुतिन की फौज की। इस सुनामी के आगे सुमह ढह जाएगा, खार्किव खत्म हो जाएगा और कीव को रौंद डालेंगे पुतिन। इस सुनामी के सामने कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ पुतिन का कब्जा होगा, जो पूर्वी यूक्रेन से आगे बढ़कर अब यूक्रेन की राजधानी को निकल जाएगा।
अब इस सुनामी को लेकर असली खबर क्या है, इसे गौर से समझिए, क्योंकि पुतिन की फौज को करो या मरो का ऑर्डर दे दिया गया है। खबर यह है कि रूस की सेना खार्कियों के अंदर करीब 10 किलोमीटर तक घुस चुकी है। ये बात खुद जेलेंस्की ने बताई है। जेलेंस्की का दावा है कि खार्कियों को रौंदने के लिए पुतिन के 30,000 सैनिक तैयार हैं। इतने सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेन ने 3 दीवार तैयार की हुई है। 3 दीवार यानी रूस को रोकने के लिए 3 डिफेंस लाइन तैयार है। खार्कियों में जहां यूक्रेन की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तैयार है, वहां रूस की फौज पहुंच चुकी है। यानी करीब 10 किलोमीटर अंदर घुसी रूस की सेना का सामना यूक्रेन की फौज से लगातार हो रहा है। वहीं जेलेंस्की का दावा है कि इसके आगे रूस की रक्षा पंक्ति की दूसरी दीवार भी है, और फिर सबसे खतरनाक उसकी फोर्स तीसरी दीवार बनकर भी खड़ी हुई है। रूस का चौतरफा हमला कैसे हो रहा है, उसके लिए ये धमाका देखिए। क्राइमिया के पास समंदर में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। एक बार फिर इस धमाके को देखिए, समंदर में यूक्रेन की आत्मघाती फास्ट बोट घूम रही है। ये ड्रोन बोट रूस के ठिकानों और उसके वॉरशिप को टारगेट करना चाहती है। अब रूस हेलीकॉप्टर गनशिप के जरिए इन्हें चुन चुन कर मार रहा है। रूस का दावा है कि हाल में उसने यूक्रेन के 100 ड्रोन खत्म किए हैं। ये पूरी मदद नेटो की तरफ से की जा रही है। यूक्रेन को एयर डिफेंस चाहिए, फाइटर जेट भी चाहिए, मिसाइल और रॉकेट के साथ तोप के गोले भी चाहिए। यही वजह है कि जेलेंस्की ने अब ऐसे ही और हथियारों का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने हथियारों की एक लिस्ट तैयार कर ली है। जेलेंस्की को अमेरिका के नए हथियार पैकेज से बड़ी उम्मीद है। मई के महीने में यूक्रेन के और टुकड़े ना हो, इसके लिए व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। इसमें $6 बिलियन के वो हथियार हैं जो रूस के हमलों पर ब्रेक लगा सकते हैं। जेलेंस्की ने दावा किया है कि ताजा हमले के दौरान उनकी सेना ने रूस के परखच्चे उड़ा दिए हैं। यूक्रेन के मुताबिक 18 मई रूस के लिए काला शनिवार साबित हुआ है। काला शनिवार के मायने ये है कि यूक्रेन ने एक ही दिन में रूस के 13 टैंक फोड़ डाले, 43 बख्तरबंद गाड़ियां जला दी, 36 तोप पूरी तरह से तबाह कर दी। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 815 दिनों के युद्ध में अब तक रूस के 7,560 टैंक तबाह कर दिए गए हैं, 14,595 बख्तरबंद गाड़ियां बम से उड़ा दी गई हैं, जबकि तोपखाने का नुकसान तो बड़े झटके वाला है। जेलेंस्की का दावा है कि उनकी सेना ने रूस की 12,639 तोप पूरी तरह से तबाह कर दी है। यूक्रेन के युद्ध के दौरान रूस का रक्षा बजट बढ़ा है, और अब डिफेंस के खातों को मजबूत करने के लिए पुतिन को उनके जैसे ही किसी शख्स की जरूरत थी। पिछले कुछ सालों में रूस का मिलिट्री बजट 3.5% से बढ़कर 6% तक ऊपर जा चुका है। ये बात जेलेंस्की और उनकी फौज को डराने वाली है। सबसे बड़ा खतरा उस फ्रंट को है जहां कुछ दिन पहले जेलेंस्की ने दौरा किया है। ट्रेंच में घूमकर जेलेंस्की ने देखा कि रूस की फौज कितनी दूरी पर खड़ी हुई है। ये डोनेस के आसपास का फ्रंट है, और यहीं करीब में चशीव यार इलाके के 3 तरफ रूस की फौज ने घेरा डाल दिया है। अब इस इलाके में यूक्रेन के कमांडर ने दबी जुबान में बता दिया है कि रूस से बचना आसान नहीं होगा। यूक्रेन के कर्नल का डर सही है। रूस ने चशीव यार से 100 किलोमीटर दूर नोवो मिखेलविका इलाके पर कब्जा कर लिया है। ये जगह भी डोनेस के करीब है। पुतिन अब रहम दिखाने के मूड में नहीं है। पुतिन को रिजल्ट चाहिए। हफ्तों की गोलीबारी के बाद रूस ने यहां ड्रोन से वीडियो बनाकर दिखा दिया है कि उसका इलाके पर कब्जा हो चुका है। यही बात बताने के लिए जेलेंस्की हर फ्रंट पर दौड़े दौड़े पहुंच रहे हैं, ताकि फौज का हौसला ना टूटे, क्योंकि कई फ्रंट से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि गोला बारूद खत्म होने की वजह से यूक्रेन के सैनिकों की हिम्मत टूट रही है, क्योंकि रूस की मिसाइलें यूक्रेन पर मौत बनकर बरस रही हैं। क्या गाजा में खूनी जंग की वजह से इजराइल में बगावत शुरू हो गई है? ये खबर इसीलिए तहलका मचा रही है क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री ने पीएम नेतन्याहू को साफ चेतावनी दी है कि अगर गाजा पर इजराइल ने पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश की तो गाजा में हमास फिर से मजबूत हो जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद से रफा में हमास ने इजरायली सेना पर भयंकर हमले शुरू कर दिए हैं।
कब्र से निकला हमास, रफा में फंसा इसराइल। 7 महीने बाद गाजा में अब कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर पश्चिमी देशों के वॉर एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा दिन की जंग के बाद इसराइल रफा में फंस गया है। जरा देखिए, हमास के लड़ाके हाथों में हथियार लिए एक बार फिर से इसराइल के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। जनाजे में उमड़ी भीड़ साबित कर रही है कि भले ही इसराइल 10,000 से ज्यादा हमास के लड़ाकों को मार चुका हो, लेकिन हमास में लड़ाकों की संख्या में जरा भी कमी नहीं आई है। शायद यही वजह है कि रफा में इसराइल के भीषण हमले के बावजूद हमास की लड़ाकू क्षमता में कमी नहीं है। हम आपको पहले ये दिखाते हैं कि पिछले 10 दिन में रफा में इजरायली सेना ने कितने हमले किए हैं और इसका असर रफा, हमास और फिलिस्तीनी लोगों पर क्या पड़ा है। 6 मई 2024 से दक्षिणी गाजा के शहर रफा में इजरायली सेना ने हमले शुरू कर दिए। रफा में 10 दिन से ज्यादा की भीषण जंग में इजरायल की IDF ने हमास के 70 ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसराइल की IDF ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने मरकावा टैंक और भारी हथियारों के साथ रफा में ग्राउंड ऑपरेशन किए हैं, जो सफल रहे हैं। IDF का कहना है कि इसराइल के इस ऑपरेशन में 50 से ज्यादा हमास लड़ाके पूर्वी रफा में मारे गए हैं। इसके अलावा हमास की दर्जनों सुरंगों को तबाह कर दिया गया है। इसराइल के भीषण हमलों की वजह से रफा से 8 लाख फिलिस्तीनी भागने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लेकिन इतने भीषण खूनी हमले करने के बावजूद क्यों कहा जा रहा है कि रफा में इसराइल फंस गया है और हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर भारी पड़ने लगे हैं। तास की रिपोर्ट के मुताबिक हमास पोलित ब्यूरो के सदस्य ओसामा हमदान ने बताया था कि 7 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर 2023 तक गाजा पर 35,000 टन विस्फोटकों से भरे बम गिराए गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमास को मिटाने के लिए इसराइल को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। यही वजह है कि अब नेतन्याहू सरकार में कैबिनेट मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक नेतन्याहू सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए। कोई नेतन्याहू को आखिरी अल्टीमेटम दे रहा है तो कोई सरकार से इस्तीफे की धमकी दे रहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि गाजा युद्ध को लेकर नेतन्याहू सरकार में गदर क्यों मचा हुआ है। गाजा पर कब्जे को लेकर बगावत। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने अपने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को पूरे फिलिस्तीन में कब्जे को लेकर बड़ी चेतावनी दी है और इस योजना के खिलाफ नेतन्याहू को अल्टीमेटम दे दिया है। इसराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने साफ कहा है कि पूरे गाजा पर इसराइल को कब्जा नहीं करना चाहिए। इसराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने जंग के बाद गाजा के भविष्य को लेकर नेतन्याहू के प्लान को नकार दिया है। उन्होंने इसराइली PM को चेतावनी देते हुए कहा कि वो फिलिस्तीनी जमीन पर कभी भी इसराइल का शासन नहीं होने देंगे। इसराइली मिलिट्री हेडक्वार्टर से एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में गैलेंट ने कहा, हमास के बाद गाजा का अस्तित्व तभी मुमकिन है जब यहाँ फिलिस्तीन के लोग ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद से सत्ता संभालें। गैलेंट ने कहा कि मैं PM बेनमिन नेतन्याहू से अपील करता हूँ कि वो ये फैसले करें कि इसराइल की सेना गाजा पर कंट्रोल नहीं करेगी। हमास के खात्मे के तुरंत बाद वहाँ नई सरकार का गठन किया जाएगा। गैलेंट के इस बयान के बाद इसराइल के सत्ताधारी गठबंधन गुस्से में है। सरकार में शामिल नेता PM नेतन्याहू के रक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। इधर तमाम दबावों के बावजूद नेतन्याहू रफा में खूनी जंग पर उतारू हैं। जानकारों के मुताबिक नेतन्याहू चाहते हैं कि पूरे गाजा पर अब इसराइल का कंट्रोल हो ताकि हमास भविष्य में कभी भी सिर न उठा पाए। इसीलिए रफा में भीषण हमले पिछले 24 घंटे से हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ही रफा में 150 से ज्यादा फिलिस्तीनी इसराइल के हवाई और जमीनी हमले में मारे जा चुके हैं। लेकिन इधर हमास के लड़ाकों ने रफा में इसराइली सेना की हालत खराब कर दी है। जरा देखिए हमास क्या दावा कर रहा है। हमास के दावे के मुताबिक इसराइल की तरफ से गिराए गए बम परमाणु बमों से होने वाले नुकसान से भी ज्यादा है। यूरोमेड मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक हमदान की बात सच भी साबित होती हुई नजर आती है, क्योंकि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से हुआ नुकसान 15,000 टन विस्फोटकों के बराबर होने वाली तबाही के समान था। ऐसे में गाजा पट्टी पर गिराए गए विस्फोटक परमाणु बम से भी 2 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। गाजा पट्टी की कुल आबादी 23 लाख है, जिसमें से 10 लाख के करीब अकेले इसकी राजधानी गाजा सिटी में रहते थे। गाजा सिटी पट्टी के उत्तरी हिस्से में मौजूद है। इधर इसराइल को एक और बड़ा झटका लगा है। हमास के टॉप कमांडरों में से एक याया सिनवार के बारे में अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि सिनवार मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में भाग गया है और वहां से लेबनान या सीरिया चला गया है।
कुछ दावों में कहा जा रहा है कि सेनवार रफा की सुरंग में फंसा हुआ है, लेकिन सेनवार भाग गया है। इन्हीं हालातों को देखकर इजराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। इधर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रफा में ऑपरेशन नकबा जैसी जंग शुरू कर रखी है, जिसकी वजह से 15 लाख फिलिस्तीनी रफा से भागने को मजबूर हो रहे हैं। गाजा युद्ध अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां अब लाशें गिनना भी मुश्किल हो गया है। कोई नहीं जानता कि इजराइल हर दिन हमास के कितने लड़ाकों को मार रहा है। कोई नहीं जानता है रफा में इजराइल के हवाई और जमीनी हमले में हर दिन कितने फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। इस वक्त इजराइल दुनिया को यही बताने पर तुला है कि इजराइल की आईडीएफ हमले तब तक नहीं रोकेगी जब तक कि पूरे गाजा से हमास का सफाया नहीं हो जाता। अब सवाल उठता है कि गुस्से से लाल और थमथमाते चेहरे के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बार बार हमास के सफाये की कस्में 200 दिन बाद भी क्यों खा रहे हैं। इसका जवाब है रफा में इजरायली सेना पर हमास के लड़ाकों के भीषण और खूनी हमले। अब देखना होगा आने वाले दिनों में गाजा युद्ध में इजरायल क्या क्या करता है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।